उपायुक्त आरएस वर्मा तथा पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने बृहस्पतिवार शाम को महम अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने सरसों की आवक व खरीद कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने अपने सामने तौल यंत्रों की भी जांच अच्छी तरह से पड़ताल की। उपायुक्त वर्मा ने आड़ती व मंडी में उपस्थित किसानों से भी खरीद व आवक के बारे में विस्तार से चर्चा की। उपायुक्त ने मंडी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मंडी में आने वाले किसानों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। इस दौरान महम एसडीएम अभिषेक मीणा, मार्केट कमेटी महम के चेयरमैन रामनिवास रोहिला व नायब तहसीलदार राजकुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। उपायुक्त आरएस वर्मा ने कहा कि जिले की विभिन्न चार मंडियों में लगभग 191 किसानों द्वारा लाई गई लगभग 400 मीट्रिक टन से ज्यादा सरसों की खरीद विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि 25-25 किसान अपनी बारी अनुसार अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों में कार्य ठीक चल रहा है और सभी किसान और अनाज मंडी में कार्य करने वाले मजदूर आदि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखे हुए है। अनाज मंडियों में मजदूरों की कोई समस्या नहीं है और अनाज लिफ्टिंग का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। हमारी मस्तिष्क जो है सरसों की खरीद हो रही है और हमारे सभी अधिकारियों को सतर्क रखते हुए कार्य सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए। ये कल भी हमारे यहाँ मंडी में लगभग 1800 क्विंटल और आज 1500 क्विंटल के आसपास खरीद हुई। आज 100 में से 97 इन तीन को भी ट्रैक कर रहे हैं और कल हमारे 50 आने थे, 50 में से हमारे एक दो को छोड़ कर सभी आकर लिफ्टिंग की कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यह हमारे पूरे शहर में और व्यवस्थाएँ और इस मंडी का जो एरिया है राधर में, तो ये कहूँगा कि ज़्यादा जमींदार आने चाहिए डेली बेसिस पे, 100 से भी ज़्यादा। जो हमारा ये फार्मूला लगाया गया है कि मंडी कहीं 100 एकड़ की है, कहीं 50 एकड़ की है, कहीं 10 एकड़ की है, इसमें जो डेली 50 मॉर्निंग में 50 इवनिंग में, तो बड़े खुले खुले ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जमींदारों के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। और लिफ्टिंग ड्यूरिंग द नाइट और अगले दिन तक सारी हो जाएगी कोई किसी प्रकार से। आप देखते हैं गत वर्ष या उससे पहले जब या वीट के मामले में जब होती थी तो काफ़ी सारा एक गैदर हो जाता था और अपना अनाज सरसों गेहूँ, तो ये तो बहुत थोड़ा ही मात्रा है जिसको उठाने के लिए हम बिल्कुल ये तो 5-7 घंटे में भी उठ सकते हैं। तो सर आड़तियों के साथ प्रशासन ने लास्ट कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं, क्या काम है? नहीं, अब किसी प्रकार की ये प्रॉब्लम नहीं है। जो इनकी बात, हमारे आड़ती भाइयों की बात राज्य स्तर पर सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ जो हुई थी, इस आशय का पत्र और परिपत्र जारी हो चुका है, वो उनको कल सुबह मिल चुका है और सभी जगह ये काम इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। ये कहीं लॉकडाउन के दौरान ये अनुभव किया जा रहा है कि कहीं लेबर की कमी है, तो इस कमी को विभिन्न जो सोर्सेज हैं दूसरी जगह जो लेबर है उनको आमंत्रित किया गया है, वो आकर के इस चीज़ को संभालेंगे।